अंधविश्वास के चलते खेत में गड़े गुप्त धन को खोज निकालने के लिए चल रहे तांत्रिकों की मंत्र पूजा पाठ को पुलिस ने नाकाम कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सावंगी देवली परिसर में भोयर नामक व्यक्ति के खेत में गुप्त धन होने की अफवाह थी। कई तांत्रिक खेत को देखने आ रहे थे व मौके की तलाश में थे। भोयर को अचानक ध्यान में आया कि उसके खेत के आसपास कुछ अजनबी अक्सर चक्कर मार रहे हैं। भोयर के खेत के बगल में सोनवने का खेत है। सोनवने के खेत में रविवार की मध्य रात्रि में कुछ तांत्रिकों द्वारा मंत्र के साथ पूजा पाठ किए जाने की खबर गांव वालों को मिली। कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे। खेत में करीब 5 फीट का गड्ढा खोदकर 5 लोग पूजा अर्चना करते दिखाई दिए। पूछताछ करने पर गुप्त धन निकालने के लिए पूजा पाठ करने की बात सामने आई। उस जगह पर कुमकुम लगाकर कुछ कटे हुए नींबू फेंके गए थे। कुछ तांत्रिक मतोचार कर रहे थे। गाँव के लोगों ने हिंगना पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शंकर सावरकर, विठल सोनकर, बाबा टेंबुलकर और वंदना गटकर को धर दबोचा। इन आरोपियों के साथ ही संदीप बहादुर फरार हो गए। हिंगना पुलिस ने हर्षल सोनवने की शिकायत पर उक्त 4 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। दिनांक 12/2023 रोजी पुलिस स्टेशन हिंगना हद्दी मध्ये देवळी सावंगी गाव आहे, त्या गावामधील एका शेतामध्ये काही लोक आल्याचे माहिती मिळाली होती। तिथल्या गावकऱ्यांनी तिथे जाऊन थांबवलं त्यांना, तर तिथे एक 5 लोक त्यांना दिसलेत, त्यामध्ये शंकर, विठ्ठल, बाबा, त्याशिवाय संजय असे नावं आहेत। या लोकांनी तिथे गड्डा खोदून काही निंबू वगैरे कापून टाकलेले होते। त्या अनुषंगाने फिर्यादीचं सुद्धा, येथील फिर्यादी हर्षल यांचं सुद्धा या आरोपींसोबत बोलणं होतं। त्यांचं म्हणणं होतं की गुप्तधन आहे सदर मंदिराच्या जवळ, आणि ते गुप्तधन काढण्यासाठी त्यांची प्रोसिजर सुरू होती। त्यानंतर पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही लगेच स्टाफ पाठवला। स्टाफ पाठवल्यानंतर मग घटनेची शहानिशा करून फिर्यादीच्या तक्रारीवरून आम्ही गुन्हा नोंदवलेला आहे। त्या अनुषंगाने पुढील तपास सुरू आहे। केलेल्या विचारपूसमध्ये एक साधू असण्याची शक्यता आहे, बाबा टाईप व्यक्ती असण्याची शक्यता आहे। त्या अनुषंगाने विचार करून आम्ही डिटेल तपास करत आहोत। बरोबर आहे, अशा प्रकरणामध्ये कधी कधी वेळेवर सांगितलं जाते आणि त्या अनुषंगाने एखाद्या वेळेस कारवाई केली जाते त्या पद्धतीची, परंतु अद्यापर्यंत तपासामध्ये असं काही निष्पन्न झालेलं नाही की नरबळीचा प्रकार होता म्हणून। आम्ही एकूण 5 आरोपींवर या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल केलेला आहे। 13 तारखेला गुन्हा नोंदवलेला आहे आणि गुन्ह्याचा तपास सखोल पद्धतीने सुरू आहे। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।